आज हम इंटीग्रल डोमेन के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इंटीगल डोमेन यानी हिंदी में अपन इसको कहते हैं पूर्णांकीय प्रांत। अभी अपन ने रिंग की डेफिनेशंस करी थी, रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ करी थी। तो यदि रिंग कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है तो वो रिंग इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिंग सेटिस्फाई करे और वो इंटीग्रल डोमेन बन जाए? तो कोई एक रिंग आर एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि वो कॉमुटेटिव हो। कॉमुटेटिव का मतलब ये हो गया अपने पास, अब विद रिस्पेक्ट टू दी सेकंड ऑपरेशन जो है उसमें कॉमुटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, अपन इसको डी ले रहे हैं तो बिलोंग्स टू डी। दूसरी है इसमें रिंग विद यूनिटी, रिंग के अंदर इकाई अवयव होना चाहिए। इकाई अवयव होने का मतलब है क्योंकि पहली ऑपरेशन के लिए तो पहले से उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है। तो बात करें सेकंड ऑपरेशन की, तो सेकंड ऑपरेशन में रिंग विद यूनिटी का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा डी के अंदर जरूर होना चाहिए जो अपने किसी एलिमेंट से गुणा करें वापस हमारे पास सेम एलिमेंट मिल जाए। यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ये जो रिंग है, दिस रिंग इज़ विद रिंग विद यूनिटी। और तीसरी प्रॉपर्टी है वो है रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, यानी जो रिंग अपने पास है उस रिंग के अंदर जीरो डिवाइजर्स होने चाहिए। जो जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा अपन ने पहले जब जीरो डिवाइजर्स थी तब आपको बताई थी कि मान लीजिए अपने पास के कोई दो एलिमेंट है ए बी बिलोंग्स टू डी, और यदि इन दोनों का गुणा जीरो है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू जी, तो तभी पॉसिबल है जब आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। यदि ये दोनों ई सेटिस्फाई होता है तो हम कहते हैं कि ये जो रिंग है ये रिंग विद जीरो डिविजर्स हैं। तो यदि कोई एक रिंग जो अपने पास रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो इसके साथ एडिशनल तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, इफ़ इट इज़ कॉमुटेटिव, इफ़ इट इज़ रिंग विद यूनिटी और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम उस रिंग को कहते हैं, वो रिंग अब बन गया हमारे पास इंटीग्रल डोमेन। इसकी पूरी परिभाषा के रूप में देखें तो अपन ऐसे कह सकते हैं, एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय शून्य के भाजकों रहित हो तो वह पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है। रिंग है, रिंग तीन प्रॉपर्टीज को और सेटिस्फाई कर दे तो वो रिंग इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने नोट करें, वो ये है कि इंटीग्रल डोमेन को सिद्ध करने के लिए कम से कम उसमें दो एलिमेंट होने चाहिए और उन दो एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यदि ये बातें हों तो मिनिमम दो एलिमेंट के साथ भी हम इंटीग्रल डोमेन को पूरा कर सकते हैं। यदि जो भी सारी बातें कि उनको डिटेल रूप में अपन लिखें, तो एक सेट डी जिसके अंदर दो ऑपरेशन डिफाइन हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगा। यदि फॉर ऑल ए बी सी जो डी के एलिमेंट्स हैं के लिए अपने पास निम्नलिखित प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हों, तो ये प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहला है, अपनी सीधे सीधी बात करें तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो डी है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन, ये एक हमारे पास एक एबिलियन ग्रुप है। फर्स्ट ऑपरेशन के लिए ये एक कर्म विनिमय समूह है। तो फर्स्ट ऑपरेशन थी हमारे पास एडिशन, इसका मतलब इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके कोई दो एलिमेंट लें तो उन दोनों का योग भी वापस उसी में होना चाहिए। यदि ए बी सी तीन एलिमेंट हैं तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। देयर एग्जिस्ट इज, दिस सिंबल इज कॉल्ड देयर एग्जिस्ट इज जीरो बिलोंग्स टू डी, जो इस प्रकार होना चाहिए कि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, यदि ये सेटिस्फाई होता है फॉर ऑल बिलोंग्स टू डी, डी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तो ये अपने पास ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इफ देर एग्जिस्ट ए माइनस ए बिलोंग्स टू डी सच दैट, किस प्रकार होना चाहिए, ए प्लस माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, यदि आइडेंटिटी आ जाता है तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी जिसमें कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मीन्स कॉमुटेटिविटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन इज सेटिस्फाइड। और दूसरे शब्दों में अपन यूँ कह सकते हैं कि डी पहली ऑपरेशन के लिए
हमारे पास एक कर्म विनिमय समूह होना चाहिए। दूसरा, अपने पास सेकंड ऑपरेशन पे चलें, डी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या सेकंड ऑपरेशन जो भी दे रखी हो, के लिए निम्नलिखित गुण धर्मों का पालन होता हो, अर्थात क्या होना चाहिए। जैसे सबसे पहला है, अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया, उसके जो दो एलिमेंट ले लें, ए बी बिलोंग्स टू जी, और यदि ए बी का गुणा डी में आ जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फिर अपने पास इसके कोई तीन एलिमेंट लें, ए बी सी बिलोंग्स टू डी, और यदि अपने ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी बराबर आ जाए, दिस इज एसोसिएटिविटी, सहचर्य गुणधर्म का पालन करें। तो अपने ये तो क्योंकि रिंग के था तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन अपने एक साथ अपन इसको देख रहे हैं। इफ़ देर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू डी, और वन किस प्रकार का होना चाहिए कि ए इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए, यानी ए के लेफ्ट और राइट दोनों में यदि वन से गुणा करें, आंसर हमारे पास वापस यदि ए आता है, और किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी, तो अपन ये कहते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये रिंग विद यूनिटी वाली बात हो गई। और चौथी है अपने पास, ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, तो अपने ये कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, ये दो चार दो प्रॉपर्टी तो पहले ही होती थी, दो और एडिशनल सेटिस्फाई होगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो फॉलो होता ही है, लेफ्ट और राइट दोनों, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, एंड बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यदि इसमें फॉलो होते हैं, तो अपने पास ये हम इंटीग्रल डोमेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी थी अपने पास इसमें कि रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स होना चाहिए। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इफ़ दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो या बी, यानी ए बी का मान जीरो तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो, पर मिनिमम एक जीरो होना ही चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दिस इज रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। इसका मतलब जो रिंग थी हमारे पास, एडिशनल प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई कर दी, दैट इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजेस। यदि रिंग इन तीन और प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देती है तो वो रिंग अपने पास एक इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ रिंग एंड सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑपरेशन इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। एक छोटे एग्जांपल के रूप में अपन देख सकते हैं कि अपने पास तीन एलिमेंट हैं, जीरो वन टू, और ऑपरेशंस हैं एडिशन मोडुलो थ्री मल्टीप्लिकेशन मोडुलो थ्री, इसको अपने एक इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। तो रिंग तो है ये, पहले अपन ने किया है, तो पहले भी जैसे आपको बताया, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट तो हम कंपोजिशन टेबल का सहारा लेते हैं। तो कंपोजिशन टेबल में अपने पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टली 1012, वर्टिकली 012, या इस कोने में अपने पास ऑपरेशन दैट इज एडिशन मोडुलो थ्री, अब इसको अप्लाई किया था अगर 012, इसको 1 के साथ करेंगे तो 120201, अब इसके सारे के सारे एलिमेंट अपने पास इसी के हैं, तो ये अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। किन्हीं भी तीन एलिमेंट को लेकर के वापस उनमें अब ऑपरेशन लगाएं और देखें तो लेफ्ट एंड राइट एंड साइड दोनों बराबर आएगी, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। जीरो इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो को क्योंकि इस कॉलम से और इस रो से और इस कॉलम से अपन इस कॉलम को देखें या इस रो को देखें तो अपने पास सारे के सारे एलिमेंट वही रिपीट हो गए जो कि ऊपर दिए हुए थे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीरो इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके हर एक कॉलम और हर एक रो में एक एलिमेंट जीरो आया है, इसका मतलब अपने पास क्या हुआ, हर एक का इन्वर्स हो गया, जीरो का इन्वर्स जीरो है, एक का इन्वर्स दो है और दो का इन्वर्स एक है, तो अपने पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। और दूसरा, क्योंकि एडिशन है तो एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो रिंग के जो अपने पास पहले ऑपरेशन के लिए जो पांचों प्रॉपर्टीज प्रूव होनी थी वो पांचों प्रॉपर्टीज में प्रूव होगी, तो अपन कह सकते हैं कि अपने पास फर्स्ट ऑपरेशन के लिए दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। अब सेकंड ऑपरेशन के लिए अपने पास क्या क्या देखना था, इसमें सबसे एक तो देखना था अपने को कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो अब इसमें अपन देखें कि एक और दो इनको लिया तो इसका वन इंटू टू
एक को दो से गुणा किया तो दो आया, और दो को एक से गुणा किया तो टेबल से अपने पास ये आया, यहाँ पर भी दो और एक को दो से किया तो भी दो, दैट मीन्स कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तीसरा ये है कि अपने पास रिंग विद यूनिटी, तो वंस को देखा तो इसके अंदर ऑपरेट किया अपने, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू टू इज टू, तो वन अपने पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सेकंड ऑपरेशन के लिए वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो रिंग विद यूनिटी भी प्रूव हो गया। अब इसमें दो बातें होगी, कॉम्यूटेटिविटी भी इसमें सिद्ध हो गई, रिंग विद यूनिटी भी होगी। अब अपने इसमें देखना है केवल जीरो डिविजर्स। अब जीरो डिविजर्स के लिए कि ये विदाउट जीरो डिविजर होना चाहिए, इसमें जीरो डिविजर्स नहीं है, तो इसमें किसी भी दो एलिमेंट का गुणा लिया जब तक जीरो उसमें शामिल नहीं है तो अपने पास इसमें किसी का मान जीरो नहीं आया। ऑपरेशन किया, एक के साथ एक किया तो एक आया, एक के साथ दो तो दो, दो का एक के साथ तो दो, दो का दो के साथ अपने किया तो एक आ गया, दो चार चार होकर के भाग दिया तीन का, तो रिमाइंडर नॉन जीरो, रिमाइंडर इज वन। तो जीरो उसी समय आया है जब इनमें से कोई एक एलिमेंट जीरो है, जीरो का जीरो के साथ किया जीरो आया, और इधर जीरो का जीरो के साथ किया तो एक आया, जीरो आया। तो इसका हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, क्योंकि इसमें जीरो तभी आएगा जब दोनों में से कम एक एलिमेंट जीरो हो। तो ये एक अपने पास बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल हो गया, इसका अपन एलिमेंट्स बढ़ा करके भी कर सकते हैं, तीन चार कर दें ऑपरेशन हमारी पाँच हो जाएगी, एडिशन मॉडुलो फाइव, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फाइव, लेकिन एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो उसको अपने को एक्सप्लेन करने में उतनी दिक्कत होगी। इस कारण से हम छोटा एक एग्जाम्पल लेकर के एक ये बताया है, और एग्जाम में कभी पूछते हैं कि अपने को कोई एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो एक इंटीग्रल डोमेन है, तो ये ऑपरेशन दी हुई होगी तो उससे अपन आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर एक्सप्लेन करना हो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए रिंग है जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो वन टू अप टू पी माइनस वन, ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो पी एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी। हम कहेंगे कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है, इसमें दो हो गया इफ एंड ओनली पी इज प्राइम। तो दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी अपने को, यदि इंटीग्रल डोमेन है तो पी प्राइम होगा, और पी प्राइम है तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। तो अब ये है कि अपने पास जेड पी है एक क्रम विनिमेय तत्समक की वलय है। अपन इसमें ये दोनों बातें कैसे कह रहे हैं, दोनों बातें इसलिए कह रहे हैं, ऊपर अभी अपने जैसे बात करी कि इसमें एक है वन बिलोंग्स टू जेड पी, वन बिलोंग्स टू जेड पी, और एक को किसी से भी गुणा करें तो आपस हमारे पास सेम एलिमेंट आता है। तो ये कहते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो अपनी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी कि जेड पी है वो एक कम्यूटेटिव भी है। तो अब मान लीजिए कि अपन ये कह दें कि पी है वो हमारे पास प्राइम नंबर है, तो पी प्राइम नंबर है तो अपने प्रूव क्या करना है कि अपने पास ये विदाउट जीरो डिविजर है, ये प्रूव कर देंगे। तो पी को तो प्राइम मान लिया, और पी को प्राइम मान करके हमने प्रूव कर दिया, इसको थ्योरम दो पार्ट में थी, पहला हमने माना पी इज़ प्राइम, और प्रूव क्या करेंगे कि अपने पास जिस जेड पी इज़ विदाउट जीरो डिविजर्स। तो इसमें तीन बातें यदि और हो जाती, रिंग तो अपने को दे रखा है, दिस इज़ गिवन, दिस इज़ रिंग, तो तीन बातों में दो तो ऑटोमेटिकली होगी अपने पास, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिविटी। तो प्रूव करने की एक बात बची, वो ये है कि ये विदाउट जीरो डिविजर है। तो विदाउट जीरो डिविजर के लिए अपन क्या करेंगे कि मान लीजिए अपने को दे क्या रखा है कि माना ए डॉट बी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, पी डिवाइड्स ए बी, जो लाइन है दिस लाइन रिप्रेजेंट्स डिवाइड्स, पी डिवाइड्स ए बी, पी ए बी को पूरा पूरा भाग देती है। अब पी ए बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होगा, इस पी क्योंकि प्राइम है, पी प्राइम है तो पी के फैक्टर्स तो केवल एक और पी ही होगा, और कोई फैक्टर होंगे नहीं। और जब पी के एक और पी के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, और ये ए बी के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पी या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। जिसको अपन लिख लेते हैं, दिस एम्प्लाइज आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। अब चूँकि ए क्या है और बी क्या है, क्योंकि ए और बी जेड पी के एलिमेंट हैं, और जेड पी में एलिमेंट कैसे दे रखे हैं, जेड पी में एलिमेंट हैं जीरो वन टू अप टू पी माइनस वन, दिस इज आवर जेड पी। तो ए भी जेड पी का एलिमेंट है, बी भी है, इसका मतलब ए कैसा होगा, ए जीरो से लेकर के पी माइनस वन तक के बीच में से कोई एक एलिमेंट होगा। तो अपन कह सकते हैं ए इज़ बिटवीन जीरो एंड लेस देन पी,
और इसी प्रकार से b इज लेस देन इक्वल टू जीरो या p इज लेस देन p, तो यानी a है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर और p से छोटा, ऐसे ही b जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा अथवा p से छोटा, इनमें से कोई एक बात इसके लिए सत्य होगी। अब चूंकि p प्राइम है और p इसको डिवाइड कर रहा है, तो p डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, a का मान जीरो होगा, कि जीरो के अलावा किसी को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों का गुणा जीरो आया, कब जीरो आया, जीरो आया आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स जेड पी इज रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, यानी जेड पी में शून्य के भाजकों रहित वाले है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि दो संख्याओं का गुणा जीरो तभी हो जब या तो पहला जीरो है या दूसरा जीरो, तो वो अपने पास ही प्राइम नंबर होने के, यदि प्राइम नहीं होता तो इसके कुछ फैक्टर हो सकते थे, इसलिए प्राइम जरूरी था कि प्राइम होने के कारण ये कंडीशन बनी। दूसरा क्या है इसके अंदर, जो कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है, तो वो मान लिया कि जेड पी तो अपने पास एक इंटीग्रल डोमेन है, जेड पी इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब वो सारी बातें उसमें सत्य होंगी। कौन कौन सी, ये कॉम्यूटेटिव भी है, ये रिंग विद यूनिटी भी है और ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है। तो सिद्ध क्या करना है, जेड पी में शून्य के भाजक हैं, तो जेड पी में शून्य के भाजक को प्रूव करने के लिए, जेड पी को शून्य के भाजक, ये तो अपने को ये पी इज प्राइम सिद्ध करना है, पी इज प्राइम, पी को प्राइम सिद्ध करना है। तो पी को प्राइम कैसे सिद्ध होएगा, पी को प्राइम करने के लिए अपने को मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू जेड पी और ये किस प्रकार के हैं, ए बी का गुणा जीरो के बराबर है, तो ये शून्य के भाजक हैं जेड पी में, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू जीरो या बी इज इक्वल टू जीरो। तो संभव है, तो मान लो कि पी है वो अपने पास अभाज्य नहीं है, ये मान के चले पी अभाज्य नहीं है, इसका मतलब पी के गुणनखंड हो सकते हैं। तो मान लीजिए पी को अपन लिख सकते हैं पी वन पी टू, जो पी वन पी टू आएंगे वो क्या आएंगे, वो पी से छोटे होंगे, तो अपने पास क्यों दोनों का गुणा पी हो रहा है, इसलिए दिस इज लेस देन पी, तो दोनों के मान इस प्रकार से इन दोनों में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, पी वन को बड़ा माने से पी टू किसी एक को बड़ा मान लें, तो ये एडजस्ट हो गया अपने पास, एक से लेकर के पी के बीच में कोई दो गुणनखंड हो गए किसके, पी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी वन पी टू पी के बराबर है, और पी वन पी टू पी के बराबर है, इसका मतलब पी से इनका गुणा आया तो भाग देंगे, तो इसका मान आना चाहिए अपने पास रिमाइंडर इज जीरो, ये इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो शेषफल जीरो है, तो पी वन पी टू इज इक्वल टू जीरो। अब अपने पास क्या आ गया कि पी वन पी टू का मान तो जीरो, अगर पी वन पी टू है कैसा है, एक से बड़े हैं और पी से छोटे हैं, अब न तो पी वन जीरो है और न ही पी टू जीरो है, और पी वन पी टू का मान जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, जेड पी में शून्य के भाजक हैं, क्योंकि इससे अपने पास ये आया, यहाँ समझने की चीज़ वही है कि दिस पी वन पी टू इंटू जीरो, पी वन पी टू पी इज इक्वल टू जीरो, पी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट स्टिल देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स इसके अंदर दिस इज रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, इसमें इसके जीरो डिविजर्स हैं, और अपन मान चुके हैं जेड पी क्या है, जेड की इंटीग्रल डोमेन, और जेड पी इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब इसमें जीरो डिविजर्स नहीं है, तो इसका मतलब हुआ जो चीज़ हमने मानी थी वो जो माना वो गलत है। तो माना हमने क्या था, माना यह था कि जेड पी में शून्य के भाजक हैं, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यदि ये आता है इसका मतलब शून्य के भाजक उसमें नहीं है, जो असत्य है, अतः ये कब